आपको दूसरी शादी करनी है, उसकी वजह क्या है? पहले की फराइज पूरे करने जरूरी है। इस्लाम वैसे दूसरी शादी की इजाजत देता कब है? मैंने एक सिनेरियो मैंने आपको बताया औलाद का कि हाँ ऐसा बोलो। कोई नहीं, औलाद का नहीं, वो तो हो सकता है, जरूरी नहीं औलाद, बहुत से लोगों की जो है औलाद नहीं होती, वो ये नहीं कहता औलाद नहीं होता, हर हाल में राजी होना दोनों का जरूरी है ना, अच्छा ये इस्लाम मियाँ बीवी कहता का है। राजी होना जो है वो जरूरी है ना, कि आप जो है वो एक दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं। और मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपके बहुत सारे नीचे कमेंट्स आएंगे जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ ख्याल के लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे देंगे। होंगे मैं एक बात कह रहा हूँ कि मेरा दीन कहता है इंसाफ, अदल, एहसान, कि आपको दूसरी शादी करनी है उसकी वजह क्या है, और पहली के हुकूक पामाल नहीं हो सकते, पहले की फराइज पूरे करने जरूरी है, उसकी कॉस्ट पे आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, सही उसका हक काट के आप नहीं कर सकते, उसके साथ आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, सही गुनहगार होंगे अगर आप उसके साथ नाइंसाफी करेंगे। अब आपके लिए कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो सकता है, आप एक ऐसी जगह चले गए हैं, मैंने कहा ना हालात आपको बताएंगे, कि एक आदमी एक दायरे गैर में गया, हम दायरे मकरी के अंदर है मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत से लोग होते थे किसी ना किसी तरह पासपोर्ट चेंज, पिक्चर चेंज, रेफ्यूजी बन के कहीं पहुंच गए, अब वहां जाके आप फंस गए कि आप वहां से निकल नहीं सकते, निकलेंगे एक ही बार निकलेंगे, जा तो सकते हैं अपने मुल्क के, वापिस नहीं आ सकते। अब आपने कहा कि यार मैं यहां जिंदगी भर वापिस नहीं आ सकता, इसलिए मैं नहीं निकल सकता, अब मेरा फैसला यही है कि मैं यहां से नहीं निकल सकता। अब वो उसको औरत को उसको चाहिए अपनी औरत को छोड़ दे, औरत के पास पूरा इख्तियार है कि वो खुला फाइल कर ले, या औरत ये कहती है कि जी ठीक है हमारा घर है, बच्चे हैं, ठीक है आप वहां रहें, इसके ऊपर हम इन हालात के तहत समझौता कर लेते हैं, अब जाइए उसको वहां पे शादी कर ले, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जाने ही नहीं है, किसी बहुत बड़ी कौम है जो अमेरिका से वापस नहीं आई है, कनाडा से वापस नहीं आई है, यूरोप की कंट्री से वापस नहीं आई है, कॉन्टेक्स्ट हालात बताएंगे ना, किसी की हक तलफी की कॉस्ट पे नहीं होगा, बस ये है दीन मेरी बात, हक तलफी की बुनियाद पे नहीं होगा ये फैसला, किसी की हक तलफी नहीं हो सकती, क्यों? फिर आप उसके जवाब दें, उसके जवाब दें। और बहुत सारे ओपिनियन मैंने जैसे कहा ना, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं तो इस्लाम के पर्सपेक्टिव से जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको एक मंतिक की बुनियाद पे जो दीन कह रहा है मैं उसकी बुनियाद पे जवाब दे रहा हूं, हालात बताते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना।